Friends, now we will discuss about third characteristics of matter, right? अभी तक के जो दो characteristics हैं उनमें हमने ये discuss कर लिया कि matter बहुत fine, extremely small particles से मिलके बनता है, right? और matter के जो particles हैं उनके बीच में एक space है जिसे हम inter-particle space या inter-molecular space भी कहते हैं, right? थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसे हम डिस्कस करेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन. ओके, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं. ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ आपको, आपके सामने. जनरली हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना है, राइट? एंड सिमिलर अगर मैं रिसेंट एग्जाम्पल की बात करूँ तो वाईजैक आंध्र प्रदेश, सुना है सभी ने कि वहाँ पे अराउंड कुछ मंथ्स पहले एक गैस स्टायरीन जो गैस थी वो किसी एक पावर प्लांट से स्प्रेड हो गई थी, राइट? और इस ये गैस काफ़ी लीथल थी और इसका जो इफेक्ट था इस गैस का वो अराउंड 2 किलोमीटर के रेडियस में हुआ, राइट? इट मीन्स दैट इस गैस ने अराउंड 2 किलोमीटर तक के रेडियस में इफेक्ट डाला अपना. ओके, तो कैसे ये मूव हुई या फिर क्या इसका रीज़न था, ठीक है? तो इसमें हमें थोड़ा आसानी होगी समझने में. ओके, कि हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं. इट मींस दैट दे स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर. ओके, और ये वेरी करेगा पार्टिकल टू पार्टिकल. ओके, सो जनरली इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल डिस्कस अबाउट दिस मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट? ओके, सो पार्टिकल के मोशन को कॉमनली हम एक टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ओके, जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज ना हो जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट कोई एक प्लेस है, ये कोई सिलेंडर है, यहाँ से अगर कोई गैस रिलीज होती है तो ये हायर कंसंट्रेशन का पॉइंट है. ओके, और ये जो अदर एरिया है फॉर एग्जांपल दैट बी, ये लोअर कंसंट्रेशन का पॉइंट है. ओके, तो गैस यहाँ से मूव होगी यहाँ तक जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए. ओके, तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. और जनरली बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होता कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती पार्टिकल्स को मूव करने में. ओके, राइट, सो पार्टिकल्स कांस्टेंट स्टेट में रहते हैं, मोशन के स्टेट में. अब ये वेरी करेगा, ठीक है? जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, राइट? उनके बीच में कोई ऐसा स्पेस नहीं होगा तो पार्टिकल्स मूव नहीं होंगे. सिमिलरली लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड वो थोड़ा सा लूजली पैक होंगे, राइट? बट इन केस ऑफ गैसेस द पार्टिकल्स आर वाइडली स्प्रेड, ठीक है? उनके बीच में स्पेस है नहीं पार्टिकल के बीच में, तो वो हेयर एंड देयर मूव होते रहते हैं, राइट? तो दैट्स वाई हम गैसेस की स्मेल को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं. ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट को एक एक्टिविटी के फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट हम एक ग्लास ट्यूब लें. ओके, राइट, इस ग्लास ट्यूब में फॉर एग्जाम्पल हम इस लोअर पार्ट में हमने ब्रोमीन को स्टोर किया. ओके, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ठीक है? और ये सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. ओके, आप बोल सकते हैं इसको एज एक्सेप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, कि ब्रोमीन सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है. ओके, सिमिलरली अगर मेटल की बात करें तो एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है वो मर्करी है, राइट? ओके, सो ये ब्रोमीन है. जनरली इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है. ओके, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रेडिश ब्राउन कलर होगा इसका. ओके, देन हम इस ग्लास ट्यूब को इस 2 पार्ट में डिवाइड कर लें. यहाँ पे हम कोई ग्लास प्लेट पुट कर लें जिससे ये ट्यूब 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाए, राइट? और यहाँ पे वैकेंट स्पेस है तो इट मीन्स दैट एयर प्रेजेंट है. ओके, सो ये लिक्विड ये लिक्विड और ये गैस. तो जैसे ही हम ग्लास प्लेट को रिमूव करेंगे देन आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट कि ग्लास ट्यूब का जो पूरा कलर है वो पूरा का पूरा कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा. ओके, व्हाई दिस हैपेंस?
क्यों इस पूरी ट्यूब का कलर रेडिश ब्राउन हो गया? ड्यू टू डिफ्यूजन, राइट। बताया मैंने अभी आपको, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, और पार्टिकल तब तक मूव होंगे जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता या उन दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती, राइट। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं और इजीली। एग्जाम्पल ये है कि जो हमने अभी डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट में, राइट। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जब हमने डिस्कस किया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, उसमें हमने बीकर में सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डिसॉल्व किए थे, राइट। आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि क्रिस्टल डिसॉल्व हो गए, ओके। सो क्रिस्टल जो डिसॉल्व हुए वो हुए ड्यू टू डिफ्यूजन, ओके। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है डिफ्यूजन का, या पार्टिकल आर इन स्टेट ऑफ मोशन का, ओके। अदर एग्जांपल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो इंसेंस स्टिक होते हैं, राइट, जो हम वर्शिप में यूज़ करते हैं, तो अगर हम किसी रूम के एक प्लेस में उन्हें बर्न करें, देन आफ्टर सम टाइम हम पूरे रूम में उनकी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, रूम फ्रेशनर है, राइट। अदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड इन लिक्विड में, फॉर एग्जांपल दैट अगर हम एक बीकर में वाटर लें और इसमें इंक ऐड करें, ठीक है, आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि पूरे बीकर का जो कलर है वो जो इंक का कलर है अगर ब्लू है तो ब्लू कलर का हो जाएगा, राइट। सेम एज अगर हम ड्रॉप ऑफ मिल्क या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें तो पूरे के पूरे बीकर या सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। इट मींस दैट वी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं और कांस्टेंट मिक्स हो जाते हैं। डिफ्यूजन को कॉमनली हम मिक्सिंग भी कहते हैं, राइट। हम इंटरमिक्सिंग कहें या मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल कहें, दोनों सेम हैं, राइट। सो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन ये टॉपिक क्लियर है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, राइट। सो एज वी ऑल नोज बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर देर इज अ इंटरेक्शन, देर इज अ अट्रैक्शन फोर्स, राइट, जो मैटर के पार्टिकल्स को बाइंड करेगा साथ में, ओके। अब ये जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वेरी करेगा मैटर टू मैटर, राइट। इन सॉलिड ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन काफ़ी मैक्सिमम होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ लिक्विड थोड़ा कम, पार्शियली लेसर देन सॉलिड, और गैसेस में बिल्कुल मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट्स वाई गैस के पार्टिकल डिस्पर्स होंगे, राइट, ओके। तो जनरली हम एक एक्टिविटी से इसे परफॉर्म कर सकते हैं कि गैसेस के या फिर सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल में कितना अट्रैक्शन है, कितना इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ओके। फॉर एग्जांपल आप एक चौक लीजिए और एक वुड और एक कोई आयरन की स्लिट लीजिए, ओके। अगर तीनों को आप हैमर से बीट करते हैं तो जो चौक है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल स्पेस, वाइल वुड थोड़ा सा देरी में ब्रेक होगी, बट वाइल इन केस ऑफ आयरन ये हैमर से लीस्ट में काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी देर में ब्रेक होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इट मीन्स दैट अगर पार्टिकल के बीच में हायर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हो तो पार्टिकल बहुत ईजिली ब्रेक नहीं होगा, राइट। तो जनरली जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है ये दो टाइप का होता है, पहला है कोहेसिव, दूसरा है एडहेसिव फोर्स, जो पार्टिकल्स को बाइंड करेंगे, ओके। कोहेसिव फोर्स है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अगर पार्टिकल किसी भी मैटर के सेम पार्टिकल हैं और उनमें सेम फोर्स लगे, ठीक है, तो वो कोहेसिव फोर्स है। फॉर एग्जांपल दैट वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, राइट। वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, राइट। सेम एज मर्करी में भी उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ओके। सिमिलर पार्टिकल में है तो इसलिए ये कोहेसिव फोर्स है, ओके। एडहेसिव फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो एडहेसिव फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल दैट वाटर एंड स्किन, अगर वाटर स्किन पे फोर्स लगाए या फिर हम होल्ड करें अपने प्लाम पे तो दैट इज एडहेसिव फोर्स। सेम एज गम एंड मटेरियल, गम को किसी मटेरियल से हम स्टक करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल है।
सो इन अ नट शेल वी कैन से दैट कि कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम पार्टिकल के बीच में होगा और एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होगा, राइट? तो फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी यही है कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, ओके, जिससे मैटर अपनी फिक्स ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे, ओके. जिन मैटर में ये ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनकी फिक्स ज्योमेट्री होगी, जिन में कम होगा उनकी लूज, और जिन में पार्टिकल में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, तो उनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगी.